तो कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों आज संडे था तो हम सारे दोस्तों ने मिलकर सोचा कि हम पिकनिक पे चलते हैं। तो इस टाइम हम कराची गार्डन में मौजूद हैं। तो मैंने सोचा मैं अपना ये व्लॉग, अपनी ये पिकनिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे सारे फॉलोअर्स रेडी हो जाइए, हम यहाँ पर इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं, लेट्स गो। ये इतनी प्यारी कारी, यहाँ पर बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। थैंक यू। ये सामने बैठे हैं बारहसिंगा जो जंगल में रहते हैं, लगभग ये कराची ज़ू में है। तो ये जूम कर रहा हूँ, आपको कैसे लगे? ये कराची जू का मोर है, जंगली नहीं, कराची जू में जो है ना ये वो है, बहुत ही कमाल का है। कभी भी आपका कराची में चक्कर लगे या अगर आप कराची में रहते हो तो ये गार्डन में ज़रूर आना, यहाँ बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आता है। कराची में बहुत ही कमाल का ये इन्होंने गार्डन बनाया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का है। बस यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, अमेजिंग। अब बहुत थक गए हैं, अब कुछ खा पी लेते हैं। यार सामने कैंटीन है तो सही, देखते हैं इनमें क्या क्या है। तो मुझे प्यास बहुत लगी है इसलिए मैंने ये छोटी सी बोतल पानी की लिया है। तो यहाँ बहुत कमाल की चीज़ें हैं, लेकिन इस टाइम पहले हम खाना खाएंगे फिर हम दूसरी चीज़ें। यहाँ पर बहुत ही कमाल के परिंदे हैं, ये बत्तख हैं और भी बहुत सारे, मुझे नाम नहीं आते। तो कभी आपका चक्कर लगे तो यहाँ ज़रूर देखना, ये बड़े बड़े पंख वाले, ये मेरे ख्याल से पता नहीं कौन है, मुझे नाम नहीं आते। अगर आपको नाम आता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये कौन सा परिंदा है। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, करीब करके भी दिखाता हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये है कौन सा परिंदा, मुझे तो नहीं पता। ये देखो ये कौन सा परिंदा है, इतनी बड़ी चोंच है इसकी, बेचारा पता नहीं खाता किस तरह से होगा। अगर हम इसे किसी प्लेट में कोई दाने रख के दें तो ये खा पाएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये देखो इतना, ये बेचारा बुजुर्ग है, ज़्यादा उम्र का है, बेचारा चल नहीं सकता। चिड़ियाघर में हमने बहुत ही इंजॉय किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।